अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बच्चों से मुताल्लिक है और बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सामने आती है वो एक ही मसला होता है, वो है डेंटिशन प्रॉब्लम। आज का टॉपिक डेंटिशन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स। छोटे बच्चों में जब दांत निकलने के दिन होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ सामने आती हैं। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो सेहतमंद बच्चा होगा, नॉर्मल बच्चा होगा, वो 6 माह में दांत निकालना शुरू कर देता है। इसको 5वें महीने से ये तकलीफ़ें रहना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 9-10 महीने में दांत निकालना शुरू करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको 1 साल भी लग जाता है। ऐसे बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ज़माने हमल में ही उनको कैल्शियम की कमी का शिकार रहती है माँ और उस वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में भी आती है। लिहाजा ज़्यादातर बच्चे आजकल देखने में आए हैं कि 9 से 10 माह में निकालना शुरू होते हैं। ऐसे में उनको तकलीफ़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा मसूड़ों में बेचैनी होती है। दोस्तों, जब हम दांत की तकलीफ़ में ख़ुद मुब्तला होते हैं तो कितनी अजियत का शिकार होते हैं। रात में ये तकलीफ़ें होती हैं, पूरी रात इंसान को जगा के रखती हैं और ये मासूम बच्चा कुछ कह भी नहीं सकता सिवाय रोने के और दांतों में उंगलियाँ दबाने के और उंगलियाँ फेरने के। और जो भी चीज़ उसके सामने आती है उसमें उसको चिड़चिड़ापन होता है और मांगता है और उठा के फेंक देता है। ये सारी अलामत डेंटिशन प्रॉब्लम की है और ऐसे बच्चों में आप गौर कीजिएगा कि चेहरे का एक हिस्सा रेड होता है, दूसरा हिस्सा येलो होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चों में डेंटिशन प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बाज़ बच्चे जब दांत निकालते हैं उनको दस्त असहाल शुरू हो जाते हैं, डायरिया शुरू हो जाता है, बाज़ बच्चों को फीवर होता है, बाज़ बच्चों को नज़ला भी हो जाता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार रहते हैं। इनमें चिड़चिड़ापन रहना ये कॉमन बीमारी है। बहुत ज़्यादा अजियत में वालदैन भी वक्त गुजारते हैं, बच्चे को भी बड़ी तकलीफ़ होती हैं। इसको ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती हैं। लिहाजा सबसे जो हेड रेमेडी है इसमें है वो कैमोमीला। कैमोमीला 30 पोटेंसी में काम करती है और दी जाती है। ये मुख्तलिफ़ इमराज में भी काम करते हैं, वो हम इसके इफ़ातियत बताएंगे और इंशाल्लाह कैमोमीला पे कभी हमारा टॉपिक रहेगा। तो बच्चों की पहली दवा कैमोमीला है और इसके अलावा बेलाडोना भी इसमें तकलीफ़ में काम आती है। अगर बच्चे को टॉन्सिल की प्रॉब्लम इसके साथ हो गई है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है तो उसमें बेलाडोना भी देते हैं। चिड़चिड़ेपन की एक और दवा है साइना, ये भी छोटी पावर में दी जाती है बच्चों में। और अगर कैमोमीला में असहाल भी होते हैं, उल्टियाँ भी होती हैं और साइना में भी चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चा चीज़ों को मांगता है, उठा के फेंक देता है। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर उल्टियाँ ज़्यादा होती हों तो उसमें एथूजा की पहचान यह है कि बच्चा उल्टी करेगा, उल्टी करके सो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम में हम उसमें एथूजा देते हैं। अगर बायोकेमिक की तरफ आ जाएं तो दवाइयों में सरे फहरिस्त कैल्शियम फॉस्फोरिकम दवा है और ये बच्चों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी है, बच्चों की हड्डियों को मजबूत भी करती है, कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है, आयरन की डेफिशिएंसी को भी पूरा करती है। अब आ जाइए, दवाइयां तो बेशुमार हैं लेकिन इसमें जो एक आम फहम दवा है और जो कॉमनली इस्तेमाल होती है और हर घर के बच्चे की ज़रूरत भी है, जिस घर में बच्चा इन्फेंट्स होगा, छोटा होगा, डेंटिशन प्रॉब्लम में होगा, वहाँ पर यह दवा लाजमी होती है, वो है माम फार्मेसी की माम 21 में आयरन भी शामिल है, कैल्शियम भी शामिल है और ऐसी अद्वियात शामिल हैं जिसकी मदद से बच्चों के दांत निकलने की तकालीफ आसान हो जाती है, आसानी से दांत निकल आते हैं, चिड़चिड़ापन कम होता है। इसके अलावा मोशन वगैरह की प्रॉब्लम भी बच्चों की सही रहती है, बच्चे उल्टी, नज़ले, खांसी, बुखार से भी महफूज रहते हैं। लिहाजा जो भी होम्योपैथिक वेल सिलेक्टेड रेमेडी हो उसके साथ माम 21 को नहीं भूलना चाहिए और ये लाजमी बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम में इस्तेमाल कराना चाहिए। और व्यूवर्स, ये सिर्फ डेंटिशन प्रॉब्लम ही की दवा नहीं है बल्कि ग्रोइंग एज के जो बच्चे हों, जो कुन जहन हों, उनके इंटेलिजेंट करने के लिए, उनके जहन को अच्छा करने के लिए
उनकी ग्रोथ के लिए, उनको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखने के लिए, उनकी हड्डियों की ग्रोथ, मांस की ग्रोथ, जिस्म पे जो बच्चे कमज़ोर हों उनको भी हेल्दी करती है और उनके चिड़चिड़ेपन को भी दूर करती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। डॉक्टर सुल्तान रजा शाह होम्यो क्लिनिक, नियर सफूरा चौरंगी, कराची।